जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों अभी पठान जो है 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। ऑलमोस्ट हमारे बहुत सनातनी भाई ने इस पर वीडियो बना दिया है, लेकिन आपने जैसा थंबनेल देखा ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कि थंबनेल तो सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि आप क्लिक करके एक बार वीडियो को देखो कि समझो कि हमें इसका जो पठान का है बायकॉट क्यों करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पठान का बायकॉट, मैं तो ये बोलता हूँ पठान का बायकॉट मत करो। आप सेंसर बोर्ड को बोलो कि ऐसी जो सनातन के विरुद्ध, हमारे धर्म के विरुद्ध जो फिल्में बनती हैं ना, वो पास ही ना करें। क्योंकि सबसे बड़ी चोट तो तभी जाके होगी, ऐसे हम बायकॉट करेंगे जैसे हमने इससे पहले आमिर खान की फिल्म का किया था, लाल सिंह चड्ढा का। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसने फिर भी 100-150 करोड़ रुपए तो कमाए लिए ना। और कहीं जी 10 प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ से अपने इनकी जो लागत होती है वो पूरा निकाल ही लेते हैं। तो दोस्तों मैं तो ये बोलता हूँ कि इनका है ना, ऐसा करो कि सनातन बोर्ड को बोलो उस पर ज़बरदस्त दबाव बनाओ सभी माई मिल के, कि जिससे कि इनकी फिल्में जो है ना वो निकले ही नहीं। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कि ये सेंसर बोर्ड इनको रिलीज ही ना करे। क्योंकि रिलीज करने के बाद तो ये हजार तरीके से कमा लेते हैं, इनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनको बहुत मोटी फंडिंग हो जाती है। तो मैं तो ये कहता हूँ सनातन बोर्ड पे सभी भाई दबाव बनाओ। और मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो उस पर लगाया था थंबनेल पे कि मैं फिल्म देखने जाऊँगा, नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। और कम से कम मैं 10 भाइयों को रोकूंगा कि ये फिल्म ना देखें। तो एक बार फिर मैं वापस बोलता हूँ जय श्री राम दोस्तों, कोई भी भाई ना देखें और फिल्मों को बायकॉट कराओ। बायकॉट बॉलीवुड, जो हमारे धर्म के साथ चलेगा हम उसकी फिल्में देखेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि फिल्में देखना छोड़ दो ऐसे 300 रुपये की। और फिल्म अगर तो आपको देखना है, सिनेमा जाना है, तो फिर आप गदर 2 देख लो, सनी देओल की जो आ रही है हमारे धर्म के साथ साथ आ रही है, वो फिल्म देखो ना आप देखना चाहते हो तो, ना कि आप ये आमिर लाल सिंह चड्ढा, ये क्या बोलते हैं अभी ये पठान, ये पठानों का तो अभी ये ट्रेलर हमने देखा ही था पिछले साल अफगानिस्तान में, वो वाला सीन भी अगर इन्होंने डाला होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि है ना पठान का बायकॉट करिए। और मैं तो ये बोलता हूँ सेंसर बोर्ड से आप दबाव लगाइए कि वो फिल्मों को रिलीज ही ना करें। तो इससे क्या होता है, ये कमा लेते हैं यार, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम बायकॉट कर लेते हैं, इससे कुछ होता जाता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ये सब कुछ रहने दो, आप तो सिर्फ वीडियो को पूरा देखो और एक भाई मिलकर 10 भाइयों को रोकोगे फिल्म ना देखें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।